अपन जो डायमंड पंप है, डायमंड प्लस फोस्टो का पंप है, सबसे पहले आपने इसके अंदर इंजन ऑयल डालना है 20-40 का, या नीचे जब चूड़ी ख़त्म होती है यहाँ पे नीचे ये ऑयल डालना है। ये भी थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, थोड़ा सा निकाल लेना है। ये देखो ऐसे निकल जाएगा, ऐसे ही नीचे की चूड़ी तक रखना है। 20-40 का तकरीबन 100 से 150 ml ऑयल आएगा बस, ठीक है। ये नीचे की चूड़ी तक ऑयल डालना है आपने, उसके बाद गेज को टाइट कर देना है। इंजन ऑयल डालने के बाद पेट्रोल डालना है आपने। पेट्रोल जो है आपने बिल्कुल सूखा डालना है, पेट्रोल में कोई ऑयल नहीं मिक्स करना है। ये जो इंजन है फोस्टोक का इंजन है। पेट्रोल डालने के बाद टैंकी के अंदर इसके नीचे गुब्बारा लगा हुआ है, ये देखो, इसको प्रेस करना है जब तक इसमें तेल नहीं आता। तेल आने लग जाएगा, यहाँ से वापसी मारने लग जाएगा इसमें पाइप में। 5-10 बार मारने के बाद टाइट हो जाएगा गुब्बारा। उसके बाद आपने हल्का सा जो रेस है ये रेस को ऊपर कर लेना है, हल्का सा ऊपर करने के बाद ये चोक है ये काले रंग की, ये चोक को ऊपर कर लेना है। ऊपर करने के बाद आपने 3 या 4 रस्सी मारना है। अगर तो स्टार्ट हो जाए तो भी चोक नीचे कर देना है, अगर ना स्टार्ट हुआ तो भी चोक नीचे करके आपने स्टार्ट कर लेना है। उसके बाद जब ये चोक जो है ऊपर लगती है, नीचे चोक बंद होती है, तो ऊपर अभी चोक लगा लेंगे अपन। रेस ऊपर कर लिए हल्की सी, यहाँ पे हाथ रख के रेस मारना है, नहीं हुआ ना स्टार्ट तो इसको नीचे कर दीजिए, ये काम है, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास ये पीले रंग का पाइप आया होगा, पीले रंग का पाइप आया होगा, आपने यहाँ पे पूरा टाइट कर लेना है फुल, इसको यहाँ पे टाइट कर लेना है, इसको कर लेना है। ये टाइट करने के बाद हैंडल का नट ढीला होगा, इसको भी आपने पूरा जो है टाइट कर लेना है, ये नट को ही पूरा टाइट कर लेना है। और दूसरी बात ये जो प्रेशर है, ये हाई लो जो प्रेशर है, इसको पूरा टाइट करके एक चूड़ी जो है पीछे की तरफ कर लेना है, ठीक है। जब जैसे जैसे रेस बढ़ाते जाओगे आपको प्रेशर बढ़ता जाएगा। जब इसको टाइट करते जाएंगे गुब्बारा बन जाएगा, जब खोलेंगे तो लंबा होता जाएगा। आपने मानो स्प्रे कर ली है, स्प्रे करने के बाद टैंकी के अंदर 2 लीटर स्प्रे में पानी डालकर, साफ पानी डालने के बाद इसको 2 लीटर चला के पानी टैंकी से गन से निकाल देना है। उससे जो ये होता है अपने पंप में जो दवाई जमी होती है वो साफ़ हो जाती है। उसके बाद जब भी आपने चलाना है इसको, मान के चलिए यहाँ पे ग्रीस निप्पल लगे होंगे, ये देखो ग्रीस निप्पल लगे हुए ना, ये वाले इधर से दिखा दीजिए, हाँ ये वाले जो ग्रीस निप्पल है इसको एक चूड़ी टाइट कर देनी है ऐसे बस। जब भी आपने मानो हफ्ते 10 दिन का चलाना है, एक चूड़ी टाइट कर देनी है, एक इधर निप्पल लगा हुआ है एक उधर लगा हुआ है इस साइड, दोनों निप्पल के एक चूड़ी टाइट कर देनी है, जिससे कि इसमें जो ग्रीस है लगा रहे। बाकी आपके पास ऐसी रबड़ की किट आई होगी, एक रबड़ वाली, ये प्लग पान आया होगा, ये रबड़ की किट संभाल के रखनी ही है। ये पंप की रबड़ किट है, कभी 1-2 साल 3 साल में ज़रूरत पड़े तब इसकी ज़रूरत पड़ती है, बुक की किट है इसकी, इसको संभाल के रख लेना है, प्लग पाना संभाल के रख लेना है, ठीक है जी।